हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7 जो हम लोग का नियामक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले नियामक ज्यामिति में क्या होती है, किसी भी बिंदु को उसकी स्थिति मतलब कि बिंदु के स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार से, बिंदु के अनुसार किसी भी आकृति किसे मापते हैं। इसमें किसी भी बिंदु को जो लिखा जाता है एक्स कोमा कैसे करके लिखते हैं वाई में, ये सब बात करेंगे। एक्स वाला का भुज, वाई वाला क्या कहते हैं कोटि। अब समझिए क्या करते हैं, वो सब बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले क्या करना आपको है, दो लाइन लेना है, दो क्या करना है, दो रेखा लीजिए। एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लेते हैं वर्टिकल। एक ये लाइन है और एक तल पर, एक प्लेन पर दो लाइन लीजिए। एक लाइन हमने ले लिया, दूसरा लाइन इसके परपेंडिकुलर इसके लंबवत लीजिए। तो मान लेते हैं इसके परपेंडिकुलर दूसरा लाइन ये है, हमने दो रेखा को आपस में कैसे खींचा है, लंबवत खींचा है। दो रेखा को आपस में क्या खींचा है बताइए, लंबवत, है ना। दो रेखा को आपस में क्या खींचा है, दो लाइन को आपस में क्या खींचे हैं, लंबवत। ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पर लाइन खींचा हुआ है ना, आपको ग्राफ पेपर पर ही क्या करना है, खींचना है इस चीज़ को। एक रेखा ये, एक लाइन ये और दूसरा रेखा ये, दूसरी लाइन ये, दो रेखा खींच दिया है और दोनों आपस में लंबवत है, परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में क्या है बताइए, दोनों आपस में, जैसे बोर्ड मेरा है तो बोर्ड एक तल हो गए, ये एक प्लेन है, ये क्या है बताइए, तल प्लेन है। इसको हमने क्या किया है, चार बराबर भागों में बांट दिया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज रेखा खींचा है और एक वर्टिकल लाइन उदग रेखा खींचा है, ठीक है ना। और दोनों आकर के जहाँ कटती है, कुछ कुछ लाइन तो ही पढ़ा होगा, दोनों जहाँ आकर कटती है उसको कहा जाता है मूल बिंदु। उसको क्या कहते हैं हम लोग हैं, मूल बिंदु, इंग्लिश में से हम लोग ओरिजिन कहते हैं। दोनों लाइन जहां आकर कटेंगी उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। यानी कि चार भाग हम लोग को हो गए। और ये जो क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको खास करके दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ये सब अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ये नहीं आएगा तो बहुत कुछ दिक्कत होगा, फिजिक्स में दिक्कत, फिजिक्स में तो खूब दिक्कत होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो बताएंगे वो पूरा फिजिक्स में लागू होती है। नाइन्थ में भी है और चीज़ टेंथ में भी। नाइन्थ में मोशन चैप्टर है ना, ग्राफ वाला सब, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ पढ़ा होगा, तो वहाँ सब भी है। ये कौन रेखा है बताइए, क्षैतिज रेखा है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये है उदग्र रेखा, ये है उदग्र रेखा, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं क्या चीज़, वर्टिकल लाइन। चालू है ना जी, कभी कभी हम भूल जाते हैं। और या इसे कहते हैं लंबवत रेखा, इसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। मैंने क्या लिया है, एक सतह पर, एक प्लेन पर, आप एक कॉपी आपका प्लेन सरफेस है, समतल जम सतह है, उस पर दो रेखा लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लीजिए और एक क्या लीजिए, वर्टिकल, और दोनों को लीजिए लंबवत। दोनों कैसा लीजिए, लंबवत। आप देख रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर है और यहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं। दोनों हॉरिजॉन्टल रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा और उदग रेखा वर्टिकल लाइन जहाँ पर कट करती है एक दूसरे को, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं उस बिंदु को, मूल बिंदु को ओ से करते हैं सूचित। किस चीज़ से बताइए, ओ से, यानी कि ये जो सुनना आप वो लिख देते हैं, इससे सूचित किया जाता है किस चीज़ को, मूल बिंदु को, ओरिजिन को। अच्छा, आपके पास देख सकते हैं, अब मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से एक लाइन इधर हो गए, एक लाइन इधर हो गया, एक ऊपर और एक किसके क्या है, यानी कि चार बात हो गए। तो मूल बिंदु से अब देखिए, यहाँ आप खड़ा हो जाइए, दाहिना तरफ ये हुआ, लोग भूल जाते हैं, समझिए इधर कौन हो गया मेरा, दाहिना, और इधर क्या हो गया, बाया, यानी कि इधर राइट और उधर क्या हो गए, लेफ्ट। तो हमेशा खाते हैं किस हाथ से, दाया हाथ से, शुभ इसको मानते हैं, याद करने के लिए समझिए। तो इसको एजम्पशन किया गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं पॉजिटिव, इसे क्या मान लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, इस पूरा अक्ष को, एक्स उससे पॉजिटिव बाद में बात करेंगे, इस पूरा अक्ष को यानी कि इस पूरा एक्सिस को कहा जाता है एक्स एक्सिस। यहाँ से लेकर के अनंत तक ये कहीं भी जा सकते हैं, तीर लगा हुआ है ना, इसमें क्या लगा, एरो लगा हुआ है, इस मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं, है ना। इसको कौन एक्सिस हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ऐसे लिखा होगा, ओ अक्ष संयुक्त या ओ अक्ष कहीं लिखा होगा, सब सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। इस पूरा एक्सिस को हम लोग कौन एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल रेखा, क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। और उधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, यानी कि इसे हम लोग क्या कह देते हैं? वाई एक्स। कहीं लिखा होगा ऐसे करके और कहीं लिखा होगा बुक में ऐसे अक्ष, दोनों सही है, उसे दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में कह देते हैं वाई एक्सिस। समझ में आ रहा ना? हॉरिजेंटल रेखा का हमने क्या कहा बताइए? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। वर्टिकल रेखा क्या कहा? वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस हो गए। अब यहाँ से मैंने कहा आप मूल बिंदु पर खड़े हो जाइए। जैसे खेत का प्लॉट का नापी होता है, कतन सीमान से नापो, एक किसी का एक बाउंड्री होता है, स्टेशन होते हैं, वहाँ सारे काम हमें करने होते हैं। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर जो है नियामक ज्यामिति में सारे काम जो भी करना होगा कहाँ से करेंगे? हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन से करेंगे। जो भी किसी को देखना होगा, नापना होगा कितना वो डिस्टेंस है, सारे काम कहाँ से होंगे? मूल बिंदु ओरिजिन से होंगे। बातें समझ में आ रही है कहानी? मूल बिंदु से इधर राइट साइड यानी कि मूल बिंदु से किधर? दाहिने तरफ होते हैं पॉजिटिव। इधर मानी हुई बात, इधर क्या होती बताइए? हल्ला फिर नहीं। एक आता है तो अपना वो बैठेगा सीट, दूसरे कैसे कैसे करते हो? मूल बिंदु से दाहिने तरफ क्या होते हैं बताइए? पॉजिटिव। और मूल बिंदु से बाएं तरफ क्या होते हैं? निगेटिव। इधर एक्स है, इधर कह देते हैं एक्स डैक्स। इधर क्या कह देते हैं? इधर होते हैं निगेटिव। ऐसे मानी हुई बात है, एन ई जी ए टी आई भी, तो शॉर्ट में ऐसे लिख देते, समझ में आ गया होगा सबको। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, किधर? ऊपर की तरफ। उधर हम लोग लेते हैं वाई, ये है वाई और ये क्या है बताइए? वाई डैश। ये है वाई और ये क्या है? वाई डैश है। और ये है अपना पॉजिटिव। और ये अंतिम बार है मैथ में बता रहे हैं, ये क्या है? इससे पहले कुछ बताया अंतिम, इसके बाद खत्म हो गए थे हम बताने वाले, रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि मेहनत लगता था बताने में, इसीलिए सब लोग मतलब बढ़िया से, तब जब क्वेश्चन बनेगा कहेंगे भगवान की लीला है छोड़ दीजिए लिख ले तोरा होगा, कोने बात तक निकल जाएंगे तब, इसीलिए अंतिम बार है, गोप देख रहे हो सब समझ लीजिए बढ़िया से। मूल बिंदु से बताइए दाहिने तरफ क्या होते हैं? राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ क्या होते हैं? नेगेटिव। इधर है बिना डैश वाला, एन ए है डैश वाला, देखो इधर एक्स और इधर क्या है? चूँकि पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस है, एक को दे दिया डैश एक बिना, ताकि पता चले हम एक्स बोल रहे समझना कि राइट साइड है, एक्स डैश बोल किधर होगा? लेफ्ट साइड। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। उसी प्रकार से मूल बिंदु ओरिजिन से ऊपर क्या होते हैं? पॉजिटिव। और नीचा क्या बताइए? निगेटिव। इतना समझ में आ गया कहानी, ये चीज़ है। अच्छा अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि चार को घर बन चुका है, इस चारों को हेडिंग में लिखा हमने है चार चतुर्थांश यानी कि चरण, इसको पाद भी कहा जाता है, पा कर दो आगे बात करेंगे हम लोग। इंग्लिश में एक ही है करा, इंग्लिश में सिर्फ क्या कहिए इसको? क्वाड्रेंट्स कहिए। चार क्वाड्रेंट्स हमको, चार घर दिख रहा है ना, एक अलग अलग नाम सबका है, अब अलग कलर से हम लिखते हैं। इसे कह देते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्राफ पेपर को जो इस सब चीज़ को बनाना है तो बड़ा ग्राफ पेपर आते हैं, ग्राफ पेपर कौन आता है? बड़ा बड़ा ग्राफ पेपर, ऐसे भी बना लोगे कहीं दिक्कत मतलब ठीक है, लेकिन ग्राफ पेपर हमने दिखाया ना अभी जिस प्रकार से, बड़ा पूरा पेज में बनाइए और सभी को अच्छे से लिखिए, बस मैंने कहानी, क्योंकि सुंदर सुंदर नोट्स ही बनना परमावश्यक है। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं हम लोग हैं क्या चीज़ बताइए? फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे क्या कह देते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसे कहिएगा, इसे कहते हैं चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश फर्स्ट। इसे कहते हैं चतुर्थांश सेकेंड, चतुर्थांश सेकेंड। और इसे कहते हैं चतुर्थांश थर्ड, है ना? और इसे कहते हैं चतुर्थांश फोर्थ। अपने पास कितने क्वाड्रेंट हो गए बताइए? अपने पास चार क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट है? और मैथमेटिक्स में यहाँ जो बात किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए कुछ लोग अगर इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिखिए वनमुटता होगा, मैथमेटिक्स सर होता होता, ऐसा भी होता है सर्वेइंग में, इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पर एक सर्वे पेपर होता है, जो अभी गाँव में सर्वे चल रहा है मैंने देखता होगा काम, वहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पर कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा ना सुइया टिक टिक करके, आपका उल्टा चलना है, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये क्या होते हैं? समझ रहे हैं कहानी? ऐसे भी होता है, वो करा अलग कहानी है, वो हम लोग के कोर्स में दिया गया नहीं है, तो ये फर्स्ट हो गए, सेकेंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए, इतना समझ में आया सबको? अच्छा यहाँ पर किसी भी आकृति को दिखाना होगा तो हम लोग बिंदु के सापेक्ष दिखाते हैं, किसके सापेक्ष? एक बिंदु से दिखाना होगा किसी को दिखाएंगे तो, और किसी का नियामक कैसे लिखा जाता है
तो नियामक लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका लिखते हैं एक्स नियामक, पहले क्या लिखते हैं एक्स नियामक, फिर कोमा दे करके लिखते हैं वाई नियामक। पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, कोमा दे वाई कोऑर्डिनेट छोटी कोष्ट में स्मॉल ब्रैकेट में, और इसके बारे में बाद में ऑपरेशन करेंगे, जगह चूंकि कम है फिगर बड़ा है इसलिए अभी कम समझिए। इसको कहा जाता है भुज, इसको कहा जाता है कोटि, इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन सुटकुट के पूछ देता है यही, पता है ना। अच्छा, मूल बिंदु का जो नियामक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं 0.0। क्या होते हैं 0.0, बाद में बात करेंगे डिटेल में। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0.0, कहेगा ऐसा क्यों, क्योंकि यहीं से शुरू किए हो, हम यहाँ बैठे आप कहीं जाना है, पूछेगा अभी कितना किलोमीटर दूरी तय की हो, बोलेंगे कि एक किलोमीटर नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो यहीं पर है। मतलब कि आप सारी दूरी डिस्टेंस को यहाँ से मेजरमेंट करिएगा, कुछ जाइएगा तब ना कुछ होगा, और जब कुछ गए ही नहीं है तो कुछ का है 0, अरे कुछ क्या चीज़ होगा तब वो 0। यानी कि याद कर लेना है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं 0.0 होते हैं। अब समझिए, अब आगे बताते हैं, हमें ये समझ में आ गया होगा आपको कि चार चतुर्थांश चरण, ये समझ में आया, चार चतुर्थांश समझ में आ गया। अब समझेंगे चिन्ह प्रणाली, साइन कन्वेंशन, कब कहाँ प्लस क्या कहानी हो जाता है। अब क्या समझना है, चिन्ह प्रणाली समझने कहानी है। फर्स्ट चतुर्थांश में कोई बिंदु आते हैं, कोई बिंदु कहाँ पर आएगा बताइए, कोई बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या लिखा जाए। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना होगा तो इस दोनों को भूल जाइए, दोनों क्या करना है सिर्फ इसे दोनों को देखिए, उधर कुछ है ही नहीं। तो बताओ पहले x कोमा देख, फिर क्या लिखते हैं y, पहले x फिर कोमा देख क्या लिखेंगे x, उधर क्या दिख रहा है प्लस की माइनस, हैं तब यहाँ होगा प्लस, इधर y क्या दिख रहा है बताओ, तो प्लस कोमा प्लस हो जाएंगे x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस कोमा। अब सेकंड को देखिए, तो इसको इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं लिखल। अब बताओ पहले क्या लिखते हैं x की y, x यहाँ पर क्या लिखा है, अब फिर क्या लिखते हो y, y ऊपर देखो क्या लिखा है प्लस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि कहीं भी प्लस कोमा प्लस लिखा है, प्लस कोमा क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.3 लिखा है, 4.3 लिखा है, ऐसे कुछ भी करके दोनों x भी प्लस y भी क्या है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक मिनट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आता है, कहीं प्लस बट्टा वट्टा लगा कुछ भी दे देगा, पूछे बताइए किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में होगा, समझारण बात को, तो ये बता देंगे कि इसमें प्लस कोमा प्लस लिखा हुआ किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब इसमें बताइए किसी का आगे लिखा है, अभी पूरा ऑपरेशन इसके बाद वही होगा, अभी चिन्ह प्रणाली थ्योरी बता रहे हैं, फिर इस पर क्वेश्चन लेकर कुछ बताएंगे हम। तो बोलिए माइनस कोमा प्लस किसका चिन्ह है, ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, कहीं लिखा माइनस कोमा प्लस समझ जाएगा इसका स्थान कहाँ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आइए, तो एक्स लिखा है माइनस, वाई क्या लिखा है, यानी कि दोनों रहेगा पहले x कोमा देख फिर क्या लिखते हैं y, x निगेटिव y भी क्या है निगेटिव, इसका मतलब दोनों निगेटिव रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तो अलेवंथ सबका जो तनिगो अंश दिया, अलेवंथ में तो बहुत विशाल होते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तनिगो कर एगो अंश मात्र, समझ रहे कहानी, दसवा का जितना पूरा में उतना फार्मूला है, अलेवंथ के एगो चैप्टर में उतना फार्मूला है, मात्र अलेवंथ कितना चैप्टर एक चैप्टर कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट तो अपना आधा में हो जाता है, त्रिकोणमिति में यदि बात करते हो या कोई चैप्टर में, या ये भी चैप्टर दसवां में स्ट्रेट लाइन है, और एक चैप्टर ही पूरा मैथ, अब सोच लो वहाँ हम उतना बार पढ़ाते हैं, ये पढ़ाना कौन डिफिकल्ट है कुछ हो, ये तो कुछ हो नहीं है, और एक चैप्टर ही तो पूरा मैथ, तो 3 महीना हम खत्म कर दिए तो कौन बड़ा बात कर दिए, समझे, और एक साल लगता है खत्म करिए, बहुत सारा सिलेबस में बहुत सारे थ्योरी कंसेप्ट होते हैं, ये बात हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई आएंगे बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस एक्स वाला फिर क्या लिखते हैं वाई वाला, पहले हमेशा किसको लिखना है एक्स, फिर किसको लिखना है कोमा देख करके आँख मून करके, ये याद करते हैं, याद करने वाला के दिमाग बैठा लीजिए कौन कहाँ है, चार बार जा घर पर लिखो अपने, या दिमाग सेटिंग हो जाएगा, याद करोगे तो मैथमेटिक्स को याद से नहीं समझ में आता है। एक्स हो गए पॉजिटिव और वाई क्या बताइए, यानी कभी प्लस को हम लिख देंगे मैंने समझ जाएगा वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये थ्योरी समझ सबका है, एक बार फिर से हम समरी मार देते हैं शुरू से, 2 मिनट लगेगा हमें। दो लाइन लेना है, दो रेखा लीजिए, क्या लीजिए, एक तल पर एक प्लेन पर दो रेखा लेना है, एक लेना है क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल, एक लेना है वर्टिकल, और दोनों को रखिए परपेंडिकुलर पर, कैसे रखना है जी, परपेंडिकुलर पर, एक क्षैतिज रेखा ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है बताइए, दोनों जहाँ कटिंग करेगा ओकरा कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु ओकरा क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नियमक 0.0 क्वेश्चन पूछता है, इतना समझ में आ गया ना। ये है एक्स एक्सिस और ये कौन एक्सिस है बताइए, वाई एक्सिस। मूल बिंदु से दाहिने तरफ राइट साइड पॉजिटिव, बाएं तरफ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है,
अरे नहीं कहते बमा से कुछ पीतेगा, बाबा जी से बमा से पानी पिएगा, माना हाथ एक तरह समझो छुआ एक तरह समझने के लिए, इसीलिए वो क्या हो गए निगेटिव। आ दहना हाथ हमेशा क्या होते हैं, कमर से ऊपर शुभ और नीचा थोड़ा क्या होता है लाइट लग जाएगा। अरे बाबा जी लाइट लगा दिया हमारा, प्रणाम करो। हाथ लगता है तो कहता है प्रणाम करो, इससे ऊपर प्लस इससे नीचा दहना हाथ प्लस बामा हाथ, खड़ा हो जाओ साइन कोऑर्डिनेट प्लस माइनस, याद हो गया कभी नहीं भूलोगे। जैसे बद्रा में ईस्ट वेस्ट है, मास्टर साहब खड़ा कर दिया होगा मुँह किधर पूरब की तरफ, पूरब पश्चिम बता दिया होगा, मुँह कर दो जिधर सूर्य उगा उधर क्या होंगे पूरब, तो पीठ पीछे क्या होंगे पश्चिम, अब बामा हाथ यानी कि लेफ्ट साइड क्या होंगे उत्तर, इधर क्या होगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ में आ गया ना। कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी। और दूसरा ये जो साइन तुझे बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल है। यदि ठकना चाहते हैं तो एक सूत्र बताते हैं जो लोग बताते हैं जल्दी देख लीजिए, क्या सूत्र है वो दूरी सूत्र, वो हमारा याद नहीं है सूत्र चार गो हैं, अरे हमारा सूत्र याद नहीं है, हजारों हजार फार्मूला कितना याद करके भूल चुके हैं जितना लोग पढ़ेंगे। एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन क्या होता है, इसी फार्मूला पूरा चैप्टर बनेगा, सिर्फ क्या लिखा देते सूत्र क्या बनाना शुरू कर देते सवाल, इसका प्रूफ भी मेरे पास लेकिन प्रूफ इस बात में नहीं करेंगे, हम पहले बोले थे थ्योरी सब बता रहे हैं, सिर्फ हम क्या क्रॉस कर रहे हैं प्रूफ पोर्सन को, क्योंकि लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, दिमाग रेस्ट करने लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर, प्रूफ छोड़ करके अब प्रूफ देख रहा देखना हो प्ले लिस्ट बना है यूट्यूब जाइए वहाँ पढ़ल है देख लीजिएगा, वैसे आवश्यक है ना एग्जाम के लिए, बाकी इस प्रूफ छोड़ करके जितना सारे कंसेप्ट सब डिस्कस करेंगे हम, समझ रहे हैं बात को, और वो कर भी रहे देख भी रहे हो सिर्फ प्रूफ छोड़ करके, आपके कोर्स में लिखा भी नहीं है बहुत लोग तकलीफ होता है प्रूफ करके पढ़ा रहा है, छोड़िए इतना समझ में आ गया ना, इतना नोट करो फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्स कोमा वाई, छोटी कोष्ट में किसी भी पॉइंट्स को लिखना होगा, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक लिखना होगा, तो एक्स कोमा क्या लिखते हैं वाई, पहले एक्स नियामक एक्स कोऑर्डिनेट कोमा देकर फिर क्या लिखते हैं वाई नियामक यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स फिर क्या लिखा जाता है, अच्छा एक्स वाला को कहते हैं एक्स नियामक या भुजंक, एक्स वाला को क्या कहते हैं एक्स वाला को कहते हैं एक्स नियामक क्या कहते हैं भुजंक, या इंग्लिश में से कहते हैं एबसीसा, इंग्लिश में से क्या कहा जाता है वाई वाला को कहते हैं वाई नियामक या कोटियंक इंग्लिश में से ऑर्डिनेट, याद रखिएगा कि एक्स नियामक को भुज और वाई वाला क्या कहते हैं कोटि, यानी कि एक्स वाला को एबसीसा और वाई वाला को ऑर्डिनेट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार छप चुका है, ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो पता आपको चल जाएगा। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, एक बात और बताए थे कि पाद कहिए या चरण कहिए या चतुर्थांश कहिए, इंग्लिश में सिर्फ क्या कहते हैं क्वाड्रेंट, इंग्लिश सबका एक ही है और हिंदी क्या है नाम अनेक, क्वाड्रेंट लिख लिया होगा सब ये पॉइंट्स को, ठीक है ना। थ्योरी और भी कुछ थ्योरी है तो पहले कुछ ये समझा देते हैं और भी फिर कुछ थ्योरी बात करेंगे। दो लाइन ले लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए ध्यान समझिएगा आपको, और एक क्या ले लेते हैं, अच्छा जैसे नाइन्थ में भी ग्राफ है और टेंथ में भी ग्राफ है, पाँच नंबर फिक्स ग्राफ क्वेश्चन आएगा ही, तो अभी तो कंसेप्ट बताने वाले हैं जो चीज़ अभी चल रहा है क्लास में, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद बहुत होगा, ये क्लियर रहेगा तो भी ग्राफ बनेंगे, समझे इसको। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है बताइए, मूल बिंदु मन में ही कहिए आवाज़ में सुने, एक्स है इधर वाला क्या कहते हैं पॉजिटिव, इधर वाला क्या कहते हैं एक्स डैक्स नेगेटिव कहते हैं, ठीक है ना। ये है अपना वाई, ये क्या होते हैं इतना बार बताएंगे यदि समझ में नहीं आया तो भी समझ में आ जाएगा, अपने को हम आप हो गए छोड़ दीजिए, एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस, इधर दोनों है प्लस और ये दोनों क्या है जी डैश वाला पॉजिटिव या बिना डैश वाला निगेटिव, डैश वाला क्या है और बिना डैश वाला पॉजिटिव, बात समझ रहे हैं कहानी। अब अपने से कोई पॉइंट लीजिए, आप देख करते क्या है स्केल से, क्या चीज़ से आपके पास स्केल होगा और स्केल पर लिखा हुआ है पैमाना सेंटीमीटर, ये लिखा है ना स्केल पर, इस पर पैमाना लिखा हुआ है सेंटीमीटर में स्केल है कितना में तो एक सेंटीमीटर कितना, एक सेंटीमीटर को एक एक यूनिट एक इकाई मान करके हम बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ है एक सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है ग्राफ पेपर सब बात खींच ले है ना, अब खींच के दिखवाएंगे तब समझ में स्पष्ट हो जाएंगे, ये एक सेंटीमीटर, फिर उतना दूरी पर दो, ये मतलब कहाँ से मेजरमेंट हो रहा है दूरी बताइए, डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं मूलबिंदु से, दूरी मूलबिंदु से नापा जा रहा है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये क्या हो गया दस, इधर बात कीजिएगा तो निगेटिव, क्योंकि इधर क्या होते हैं निगेटिव, देखो अगर कलम देखो ये है माइनस एक, ये है माइनस दो, ये है माइनस तीन,
आदत से लाचार हैं। अभी तक तो आदत बना है कि सर जी पढ़ा रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, तो छूटेगा नहीं। हमारा आदत कुछ और है, पहले इत्मीनान से बढ़िया से कथा सुनो, और जब कथा सुनल हो जाए फिर कथा तू भी कहो, समझे बात को। इधर है एक, इधर है दो, तीन, चार, पाँच, छः, इधर भी क्या होंगे माइनस में, अरे किधर होगा इधर बताओ, माइनस में। ओरिजिन से राइट साइड यानी कि दाहिना साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या होते हैं निगेटिव, ऊपर बात करोगे तो पॉजिटिव, नीचा क्या होगा निगेटिव, समझ रहे बात को। अब यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई बिंदु जो मन में वही ले लीजिए, आपको लोकेट करना हो कहाँ पर होगा, नहीं तो भी सिखा होगा यहाँ भी बताएंगे, जो मन में बिंदु लीजिए, पॉइंट में कुछ हो कुछ से को मतलब नहीं, अब बताना है कहाँ पर होगा। हम ही रैंडमली कुछ पॉइंट ले लेते हैं और ऐसा पॉइंट सेट कर लेंगे, ग्राफ अच्छे से कोई भी ले सकते हो, बाद में किसी को लेकर भी दिखा देंगे। मान लेते हैं कुछ पॉइंट 2.3 ले लेते हैं, इसको दिखाओ, किसको दिखाना है 2.3 को। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि कहाँ पर होगा, पहले आप ये देखिए कि प्लस है लिखा हुआ है कि माइनस लिखा, क्या लिखा हुआ है, तो 2 का आगे भी प्लस और 3 का आगे भी क्या बताइए प्लस, दोनों का प्लस है ना, एकरा इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, अच्छी बात है, ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, ये है एक्स और ये क्या है बताइए वाई, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना लेना है, तो एक्स बराबर 2 कहाँ गया है, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3 कहाँ, यहाँ एक्स बराबर 2 पर जाइएगा ना, एक्स बराबर 2 पर, चूँकि इसी घर में जाना है ना, इधर ना इधर ना इधर, इसी में रहना हमें है, तो एक्स बराबर 2 पर क्या करिएगा, लाइन खींचिए, क्या कर रहे हैं क्या खींच रहे हैं बताइए, एक्स बराबर 2 पर, समझिएगा ध्यान से, एक्स बराबर 2 पर क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, जंग लग गया अपना इंची में, अरे नहीं समझ में आ रहा है, अब इसका काम होगा, समझे बात, व्यवस्था सब रखते हैं। बताओ स्केल लीजिए और एक्स बराबर कितना लाइन खींचना है बताइए, 2 पर, एक्स बराबर 2 पर क्या खींचना है आपको, लाइन खींचना है, और कहिएगा कहाँ तक जाएंगे, तो कहेंगे देखो वाई कितना है 3, तो आपको 3 तक ही जाना है, कहाँ तक जाना है 3 तक, देखिए 3 यहाँ दिख रहा है आपको, तो ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी लाइन खींचे होते हैं, ग्राफ पेपर सामने है लाइन खींचा हुआ है ना, यहाँ पर हमें खींचना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 2 के पर पॉइंट लीजिए, एक्स बराबर 2 लीजिए और वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, तो देखिए हम इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, खींचा फिर दिया ना, क्योंकि अधिकतर हमको कहाँ तक जाना है, 3 तक, 3 तक जाना है, और फिर वाई बराबर कितना है बताइए 3, तो वाई बराबर फिर 3 चलिए, यहाँ से वाई बराबर फिर 3 चलिए, गया अब कहाँ तक, वो अपने मिल रहा होगा पॉइंट, स्टेशन पॉइंट वहीं तक है, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों जहाँ जाकर मिलेंगे, दोनों जहाँ जाकर के, जहाँ जाकर दोनों ज्वाइन करेगा मिलेगा, वही होगा अभीष्ट बिंदु का नियामक। मान लेते हैं पी 2, क्या हो गए 3, ध्यान समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खोद खोद के क्वेश्चन निकालेंगे, बताइए यानी कि बिंदु पी का कोऑर्डिनेट, बिंदु पी का नियामक क्या हो गया 2.3, 2, क्या हो गया 3। अच्छा ये बताओ एक्स बराबर 2 है और वाई बराबर क्या थी, अब सुनना कैसे उधरा जाता, कई बार उधरा चुका है एग्जामिनर, लोग उधरा जाते हैं, क्या होते हैं देखिए इधर, देखिए इधर यात्रीगण, एक्स एक्स डैश वाई और ये क्या है, कोई पॉइंट्स यहाँ पर है, मान लीजिए ये है पी, कोई बिंदु यहाँ पर है और इसका कोऑर्डिनेट है x.y, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका नियामक क्या है x लिखा है और फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा बात है, जैसे इसका नियामक देखो ये 2, क्या लिखा हुआ है 3, 2, क्या लिखा है 2, कौन है यही ना 2, यही को 2 है, अच्छा ये 2 नापे कहाँ से हैं, ये 2 मेजरमेंट कहाँ से क्या गया है, तो बोलेंगे वाई एक्सिस से, अरे यही ना वाई एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है, ये जो 2 यूनिट्स लिए हो ये किस एक्सिस से लिया गया है, वाई एक्सिस से, किस एक्सिस लिया गया है, यानी कि एक्स जो लेते हैं यानी कि एब्सिसा लेते हैं, क्या लेते हैं भूज लेते हैं, वो किस एक्सिस से लिया जाता है, वाई एक्सिस से, समझे बात को, उसके बाद तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स कॉमा क्या लिख देंगे बताइए वाई, एक्स कॉमा क्या लिख देंगे बताइए, यानी कि इस बिंदु का ये जो डिस्टेंस होगा, इस बिंदु का ये होगा एक्स, ये क्या आगे बताइए, ये क्या होगा एक्स होगा, समझे बात को, ये क्या आगे बताइए, यानी कि अब सीसा होगा, क्या होगा बताइए, अब सीसा, समझे कहानी,
आप देखना घुमा क्वेश्चन फेंकेंगे, ध्यान से सूत्र सतर्क रहना, गेंद फेंकेंगे लोक ना आने तो कपार कन झाड़ लेना। किसी बिंदु की समझना, किसी वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस हिंदी में पहले फिल्म से बोल देंगे, किसी बिंदु की, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज की कोठी। सीधा भुज नहीं पूछता क्योंकि सबको पता चल चुका है कि एक्स वाला क्या कहते हैं और वाई वाला क्या कहते हैं। एक दिनों को पता है कि मंगला सब जान चुका है, तनिक घुमा के फेंको, तो घुमा के ना फेंकेगा। किसी बिंदु की किसी एक्स अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाती है? आंसर वह भुज होगा। यही बिंदु है, यही क्या है बताइए, कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। तो इस बिंदु की दूरी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्स एक्सिस, इस बिंदु की दूरी एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस से, इस बिंदु की दूरी किस एक्सिस से? वाई एक्सिस से। एक्स है और एक्स को क्या कहते हो? भुज। और एकरा क्या कहते हैं बताओ? नहीं समझ में आया? अब ऐसे उल्टा करके फिर पूछेगा, क्या पूछेगा घुमा घुमा के देखो, तनी मार्कर गिरा इसमें तो पक्का ही पूछेगा। अब समझिए, अब ये दूरी हो गया वाई, ये दूरी क्या हो गई बताइए? वाई, ये दूरी क्या हो गया? डिस्टेंस वाई हो गया ना। अच्छा, इस बिंदु का जो वाई कोऑर्डिनेट निकाले हो, वाई नियामक निकाले हो, किस एक्सिस से दूरी लिया है? एक्स एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस किस एक्सिस से लिए हैं? अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी बिंदु की, किसी पॉइंट्स का, किसी बिंदु का, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, फिर ध्यान से, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोठी। सीधा पूछा एक्स वाला क्या कहते हैं? नहीं पूछा। और ये पॉइंट हमारे बुक में भी लिखे डायरेक्ट है, एनसीईआरटी पढ़ता नहीं है, आप प्राइवेट किताब से पढ़ लेते हैं, सरकारी किताब पढ़िएगा तो ना पता चलेगा। दोनों बुक में लिखे हैं, बाइलिंग देखिए इधर लिखा है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है, लिखा है ना जी, एक्स निर्देशांक या भुज यानी कि अवशिषा कहलाती है। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की कहाँ दूरी? एक्स अक्ष से दूरी, उसका कहलाता है वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। अरे छापल है नहीं छापल है, एग्जाम में वो लाइन छपता है, लेकिन तू एक दिमाग में जो छपता ना वहाँ छापेगा, तू तो प्राइवेट किताब पढ़े गया है। जितना भी मार्केट में बुक छपे हैं, क्या छपे हैं? सारे का आधार सरकारी किताबी गवर्नमेंट बुक होते हैं, सारे बुक किसी को कॉपी पेस्ट करके इधर उधर अपना भाषा में लिख देते हैं, सबका जड़ यही है, समझे बात, जड़ को पकड़िए। लेकिन जड़ जल्दी पकड़ाता नहीं है, यह बात है ना, ओकरा लिए उखाना पड़ता है तोड़ से, और उसके लिए हम बैठे हैं। ये समझ में आ गया कहानी? तोड़ाने के बाद बता देंगे फिर इंग्लिश में, देखो इधर। अब आगे पॉइंट देखो, तो ये पी कोऑर्डिनेट 2.3 सबको समझ में आ चुका है। अब आगे ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने मन से -3। अच्छा एक क्वेश्चन ही पूछ देता है, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट 2.3 है, नियामक 2.3 कितना है बताइए? भुज अवशिषा कितना होगा? आसान क्वेश्चन है ना, जानते हो तब ना आसान है, और नहीं जानता है तब वो तोड़ा ले क्या है? अभी एक घंटा पहले पता था, अभी पता चला तो क्या हो गए आसान, जाने बात है कुछ है में है, अब बाद में अभी तो याद है ना, एक महीना बाद तोड़ा ही नहीं रहेगा याद, तुम भूल जाओगे। कोई कुछ कह देगा एक्स को भूल कहते थे, कोई कुछ कह देगा, जे मन में बक देगा, सोचा कहीं लग जाए, सुतर गया सुतर गया, सुतर कुतर खेला है। अरे खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बोलो। अच्छा तो ये हो गए भुज और ये कोटि, इस पर सबको है। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं, मैंने 3.2। अच्छा एक क्वेश्चन तो यहाँ से और बन गया, एकरा हम छापते जाते हैं क्वेश्चन को। 2, पहला क्वेश्चन क्या बताइए? 3, पहला पॉइंट्स हो गया आपको 2, क्या हो गए? 3। ये एक क्वेश्चन भी ये पूछेगा किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे कहाँ पर जाएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पॉइंट्स अपना कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन हमने अरेंज कर रखा है पहले से कि वो लेगो तो सब कंसेप्ट तोरा एक ही बार में हो जाएगा, वैसे कुछ हो जाएगा तो हो सके कुछ रहे कुछ बच जाए, मेरा अरेंजमेंट अपना है। अच्छा अगला पॉइंट ले लेते हैं, -3.2। अगला पॉइंट्स क्या लेते हैं? किसी को गर्मी नहीं लग रहा है? हमारा तो गर्मियों में पढ़ाने के लिए वेस्टर वाला में पढ़ाते थे हम, उन्हें ट्रेन मार रहा है भगवान क्लास चल रहा है, तनी रुक जाते थे जब पढ़ाते थे इंजीनियरिंग ब्लैक सहरसा। देखिए इधर एक्स बराबर -3 और वाई बराबर क्या बताइए? 2 है। पहले ये पता करना है कि ये जाएगा किस क्वाड्रेंट में, इसका घर कहाँ पर है? इसका घर देखिए एक्स है नेगेटिव और वाई क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ जाएगा। ये तो फिक्स कर दिए कि तोरा बैठाना कहाँ पर है, इसी टेबल बैठोगे। अब कहाँ बैठाएं, इसमें बहुत सारा जगह है। अब देखिए एक्स बराबर है -3, इसको सेकंड लिख देते हैं। एक ये भी क्वेश्चन छप रहा है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि जनरेशन क्वेश्चन, बाद में लिख लेना इसको बताने के बाद। अब देखो
इससे बता कर रहे हैं तो एक्स माइनस तीन, खोजो एक्स माइनस तीन कहाँ, यहाँ है, और वाई कितना है टू, एक्स माइनस तीन और वाई कितना है बताइए, टू है, बहुत खूब। अब चलिए तो एक्स ले लेते हैं माइनस तीन, नीचे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, नहीं इसी में रहना है, क्योंकि इसका लोकेशन यही बता रहा है, इसका लोकेशन कहाँ बता रहे हैं, कहीं भी भटकना नहीं है, वहीं रहो। तो एगो लाइन खींच दो ऊपर, कोई पूछेगा नीचे खींचेंगे ऊपर, नीचे से क्या मतलब है, जब ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, नीचे से कोई मतलब ही नहीं हमें। तो एक्स बराबर माइनस तीन बिंदु लीजिए, एगो क्या खींच दीजिए, कहाँ तक चलेंगे, तो दो तक ही, कहाँ तक चलेंगे बताइए, ये दो दिख रहा है आपको, यहाँ से चलिए इसको ऐसे क्या कर दीजिए, अब तू समझ गया है ना, अब हम अनुमान से खींच दिया करेंगे, अब तू बात को क्या कर चुके हो, पकड़ लिया है सब, अब सब लोग बात को पकड़ लिए हैं, तो अनुमान से भी अब खींच खास देंगे, मिला उला देंगे, ठीक है। तो ये बिंदु अपना क्या बताइए, दो। तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, इस बिंदु का नियामक क्या होगा बताओ, माइनस तीन कमा टू, माइनस तीन कमा क्या होंगे बताइए, टू, एकरा क्यों मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं फिर है, और फिर तुझे उस चीज़ का करना बताना है, हम बनाते हैं। बोलना नहीं है किसी को यात्रीगण, अब सोचिए दिमाग में, ऐसे करके ग्राफ दिया रहेगा आपके, कहाँ पर क्वेश्चन में बनाओगे ना, दिया है ये देखो सवाल नंबर चार शायद होगा, अरे कितना सवाल नंबर चार चाहे पाँच, पाँच में हमारे का एक भी सवाल है ना, है कुछ हो ना उसमें, सवाल नंबर पाँच में देखिए इधर क्या कहानी है, समझिए ध्यान से, दिमाग में बढ़िया से ठोक देंगे, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, अरे नहीं समझ मारा है, भूलना चाहोगे तो भी नहीं, इस बिंदु का ऐसे करके दे दिया ग्राफ में, और आपको ये पता करना है कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इस बिंदु का नियामक एक्स कितना है और वाई कितना है, पूछ देगा जैसे कि एफसीसा कितना, ऑर्डिनेट कितना, भूज कितना, कोटी कितना, वह पूछेगा ना। तो पहले क्या लिखते हो एक्स, और फिर कम अंदर क्या लिखते हैं एक्स, देखिए एक्स एक्सिस है ना, ये कितना लिखा है यहाँ बताइए, तो यहाँ क्या लिख देंगे चार, कितना लिखा हमने, और फिर क्या लिखते हैं वाई, तो वाई कितना है बताइए इधर, तो चार कमा क्या हो गया माइनस तीन, चार कमा क्या हो गया, अगला क्वेश्चन भी बन गए, चार कमा माइनस तीन, अब उल्टा बात करो एक्स है, अब ये तो दिखा दिए ना, अब उल्टा एक मिटा देते हैं, तू समझ गया, अरे समझा कि नहीं समझा। अब चलो फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं, चार कमा माइनस तीन दिखाओ कहाँ पर होगा, क्या दिखाना है, चार कमा माइनस तीन कहाँ पर, एक ही में घुरा फिरा चार पाँच क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे नहीं समझ में आ रहा है, ये चार है ना, एक बात तो समझ गया ना। दूसरा क्वेश्चन फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कमा माइनस तीन किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो एक्स भी पॉजिटिव और लेकिन वाई क्या है निगेटिव, एक्स पॉजिटिव यहाँ गया और ये वाई क्या है बताइए निगेटिव, तो पक्का है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, एक क्वेश्चन ही बन गया आपको, पूछ देगा ये किस क्वाड्रेंट में, आंसर क्या देना है, फोर्थ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा जी, बहुत खूब। एक्स बराबर चार, वाई बराबर माइनस तीन, एक्स बराबर चार कहाँ है, यहाँ नीचा खींचेगा लाइन, और वाई बराबर क्या है माइनस का तीन, दोनों जहाँ ज्वाइन होंगे वही क्या होगा, अभी बिंदु का नियामक, यानी कि समझे बात को, तो और ये बिंदु क्या हो गए पी क्यू, एक मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं चार कमा माइनस तीन, हंसी बहुत लग रहा है, हंसी मत अधिक, नहीं तो खतरा से खाली वो नहीं है, हला नहीं। अगला पॉइंट है माइनस चार कमा माइनस टू, नहीं है गर्मी, परीक्षा में पूछता है वो, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, माइनस चार कमा माइनस टू, ये पूछ देगा किस क्वाड्रेंट में है, ये नाइन्थ में भी है, साथ में कहाँ पर भी है ना सब में, और नाइन्थ में कब पढ़ाए हैं, नाइन्थ पर कहने सीधा कन्वीशन ले लगा दसवा में, ओ हमारा ऐठा एक क्लास मेहनत होना बेसी करना पड़ रहा है ना, यदि तू सब इस पर करता था सीधे उठाते चट्टर सवाल तुरंत हो जाता फट दे करके, मास्टर एक भूखा अधिक। एक्स माइनस चार और वाई कितना है माइनस टू, एक्स निगेटिव और वाई क्या है बताओ निगेटिव, हल्ला नहीं एकदम शांत रह करके, तो आलम यही है आधा घंटा शांत नहीं रह सकते हो, एक्स निगेटिव और वाई भी क्या है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड में, एक्स लीजिए माइनस चार और वाई लीजिए माइनस टू, अभी बहुत खेला बाकी है, एक्स माइनस चार और वाई क्या लेना है माइनस टू, लीजिए जजमान, एक्स लीजिए माइनस चार, वाई क्या लीजिए माइनस का टू, और जहाँ मिलेगा वही अभी बिंदु का क्या होगा, अब पता चला क्यों दोबारा पढ़ाते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता, अभी और आधा घंटा मेहनत करेंगे। पी क्यू आर एस, एस का कोऑर्डिनेट हो गया
माइनस चार कमा क्या हो गया माइनस टू, एस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस चार का माइनस टू। अभी कहिएगा आप तो सिर्फ लिए हैं खटाल खटाल में, मतलब क्वाड्रेंट में लिए हैं, एक बार इस पर भी लेकर देखिए कि कहानी क्या होता है, इस पर भी हो सकता है इनको बिंदु। अभी हम कहाँ कर लिया, यहाँ यहाँ सिर्फ चारों जगह लिए हैं ना, एक बार एक्सिस पर आएगा तब क्या कहानी होगा, वो भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। हाँ, हल्ला करना किसी को परमिशन नहीं है। एक दो तीन चार, अब पांचवा पॉइंट लेते हैं। ये सब ग्राफ बनाने के बाद जो है तो वह सब लिख लेना है ना, ये भी एक क्वेश्चन भी हो गए। अगला क्वेश्चन है चार कमा जीरो, चार कमा क्या बताइए जीरो, चार कमा शांति रोड, फिर दिक्कत कर देंगे हम, मार देंगे अस्तूरा, चला पता भी नहीं चलने देंगे। हमारे पास छटनी मशीन है, हम छटेंगे तो हमारे सिर्फ आपको पकड़ भी नहीं पाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा पकड़ने के लिए, इसलिए शांति बना रखो, शांति नहीं रहते हो तरह सबको, यही बीमारी है। अलग अच्छे जगह जाओगे तो फिर जानबे करते हो कि होता है, मार हुंडास खराब कर देगा। चार कमा क्या बताया जीरो, चार कमा क्या है, अभी तक जितना बिंदु मैंने देखा है, जितना पॉइंट देखा है, कुछ ना कुछ डाटा था, चाहे प्लस में हो या चाहे माइनस में, कुछ भी था ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक्स तो कुछ है लेकिन वाई क्या है जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्स तो कुछ है लेकिन वाई क्या है। अभी तक ये मंत्र लगा है कि प्लस माइनस कहाँ की तू बता दोगे, इसको तो कुछ अभी तक बता ही नहीं गया है, क्योंकि इसके अगर हम कुछ लगाओ तो जीरो गुना माइनस जीरो है, और जीरो गुना प्लस क्या होता है, तो फिर कहेगा इसको दिखाएंगे कहाँ पर, क्वेश्चन उठता है ना। अब समझिए यहाँ पर देखिए एक्स नियमक कितना है चार, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है चार, तो एक्स चार प्लस में है ना प्लस में, यहाँ है एक्स बराबर चार, और वाई है जीरो, वाई क्या है जीरो। अच्छा समझना, इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर यहाँ से उठाइए कहीं भी चले जाओ, कहीं भी यहाँ से वहाँ तक, एक्सिस पर यदि बात करते हो, कहाँ बात करते हो एक्सिस पर, ये हम एक्सिस से बात करते हैं, सिर्फ इस एक्सिस का व्यक्ति खड़ा है, ये बताओ क्या ये थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ है, नहीं, नीचे की तरफ है, नहीं, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर वाई नियमक जीरो होते हैं, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट्स आर जीरो। एक्स एक्सिस पर कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जीरो होगा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाई नियमक क्या होते हैं बाद सबको लिखाएंगे। उल्टा एक्स एक्सिस पर वाई जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होते हैं जीरो, और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होते हैं, फिर से समझो एक बार, मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होते जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कहीं भी बिंदु को हम लोग लेते हैं, कहीं भी लीजिए पॉइंट्स को, मान लीजिए यहाँ लेते हैं बिंदु, एक बिंदु कहाँ लिया है, क्या यह ऊपर कुछ दूरी तय किया है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं, नीचे कुछ किया है, जब तय ही नहीं किया है तो वो क्या होगा जीरो, कुछ डिस्टेंस तय करेगा तब ना कुछ फॉर्मेट नापेंगे कि हेरे नाप लो कितना सेंटीमीटर है, एकरा एक सीसेप है तो ऊपर कितना सेंटीमीटर है, एको सेंटीमीटर नहीं कि जीरो, वो कितना हो गई है, इसीलिए कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो। आ फिर उल्टा चलो, इसको पहले दिखा लेते हैं, फिर यहाँ बताओ, इसको बताओ एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर चार, वाई कितना है जीरो, वाई क्या है जीरो, अरे वाई क्या है जीरो, वाई जीरो एक्सिस एक्स, समझ लेना वाई जीरो एक्सिस क्या होगा, तो इस ये बिंदु चले जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं चार कोमा जीरो, चार कोमा, फिर कहेगा यहाँ क्या लिखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन लिखें, कहेंगे कौन लिखाएगा, ये लिखाएगा कि ग्राफ है एक्स एक्सिस पर, ये ग्राफ किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ही ग्राफ है ये विराजमान, ये ग्राफ किस एक्सिस विराजमान बताइए, एक्स एक्सिस पर ही है और पॉजिटिव तरफ है, चार बता रहे हैं पॉजिटिव तरफ होगा, समझ मारा कहानी, ग्राफ किस एक्सिस पर होगा ये एक्स एक्सिस पर होगा। अब आगे कुछ टेक्निक भी देंगे याद करने का, पहले आगे एक पॉइंट और देख लीजिए, मान लेते हैं अगला कुछ पॉइंट अपना है जीरो कमा छः, जीरो कमा क्या है, इससे पहले एक ले लो माइनस वाला, इसी में क्या ले लेते हैं माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला, माइनस वाला मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट खुद से ले सकते हो, मान लेते हैं माइनस पाँच कमा जीरो है, माइनस पाँच कमा क्या बताओ एक्स बराबर कितना है माइनस पाँच, यहाँ है माइनस पाँच एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना है माइनस पाँच, और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है इसका जीरो, एक्स माइनस पाँच और वाई कितना है जीरो, एक्सिस कौन होगा बताओ, होगा ना, ये लिख दीजिए, दिमाग हमारा वट हो जाता है, नहीं तो निकाल देंगे, सोच लो चुल दूर करेगा तो
तोरा लोग इस लायक थोड़े हो, तोरा लोग को गाँव में क्या चाहिए, फार्मूलवा लिखवा दो आ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, एक हीटा नंबर आ गया आ दिल्ली टिकट कटवा दो, यही हकीकत है गाँव का। जब हम पढ़ना चाहते हैं तो नाम बदनाम हमारे कर रखता है सब, एक बार पढ़ के देखो ना क्या चीज़ बता रहे हैं। तो ये पॉइंट चौधरी बुद्धि मतलब शांत रह करके दो घंटा बैठना जाता है, बैठने में तो सीखो कम से कम दो घंटा कैसे पढ़ा जाता है। तो ये पॉइंट्स का नियम क्या हो गए, मान लेते हैं टी एस पी क्यू आर एस टी कुछ मान लेते हैं, एक मान लेते हैं ए है, आई वाला सबको अलग ही नाम कर दो, एक्सिस वाला नाम ही क्या कर देते हैं अलग, अगर ए मान लेते हैं इसे क्या मान लेते हैं ए, एकरा मान लेते हैं बी इसे बी मान लिया, तो माइनस पाँच कमा क्या होंगे बताइए जीरो, तो ये भी होगा एक्स एक्स डैश एक्सिस कर दो, एक्स एक्सिस ही को हो, लेकिन एक्स एक्सिस किधर होगा निगेटिव साइड होंगे, किधर होंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है बताइए निगेटिव है, एक्स एक्सिस पूरा बात कर लिए, अब कहीं भी कुछ भी होगा तो हम लोग आसानी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट पर, वाई कोऑर्डिनेट बिंदु लीजिए सात नंबर में, मान लेते हैं ये है पाँच कमा जीरो, क्या लिखल है पाँच कमा क्या लिखल है बताइए ना, ये लो ये तो दिखा दिए ना, जीरो कमा पाँच ले लेते हैं हम लोग हैं, जीरो कमा क्या ले लेते हैं, अच्छा उसे छोड़िए कैसे कहाँ होगा हमें नहीं पता है, सिंपली हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई बिंदु आपका यहाँ पर है समझिए, कोई बिंदु जो आपका कहाँ पर है यहाँ पर है, कोई पॉइंट्स यहाँ पर है, इस एक्सिस पर कहीं भी हो, इस एक्सिस पर एक्सिस से बात कर रहे हैं ना किसी क्वाड्रेंट पर, हम कहाँ बात कर रहे हैं एक्सिस पर, हम कहाँ बात कर रहे हैं एक्सिस पर, किसी भी क्वाड्रेंट पर हम लोग चर्चा नहीं कर, एक्सिस होगा वाई एक्सिस होगा कोई बिंदु क्या होगा उसके साथ समझिए, वाई एक्सिस पर है इधर कुछ जाएगा तब ना सेंटीमीटर कुछ आएगा एम एम आवे, अब है कोई वाई एक्सिस बताओ इधर एक कोई एम एम गया है, कोई एम एम इधर भी गया है, नीचे मान लो बिंदु यहाँ पर है कुछ इधर गया है, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर सपोज डैट मान लेते हैं पॉइंट से गो, यहाँ मान लो एक एम एम भी इधर है या इधर कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब जीरो, अरे कुछ भी नहीं तो क्या चीज किधर जीरो, वाई की तरफ अथी सॉरी एक्स के तरफ, एक्स की तरफ क्या होंगे, इसका मतलब हम लोग ये कहते हैं कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये सब याद करने कुछ नहीं है, दिमाग में समझोगे ना तो सेट कर देंगे मेमोरी में, शांति से पढ़ोगे तब तो लगता है हम तो पढ़वे किए हैं क्या दिक्कत है, दो दिन बाद पूछेंगे तुम आप देगा और हम ये प्रूव करके दिखा भी देंगे, तोरा ये प्रूव करके दिखा भी देंगे, नहीं आता है प्रूफ है मेरे पास, चलिए तो हम क्या बता रहे थे बताइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका मतलब एक्सिस क्या होगा वाई, एक्सिस क्या होगा ये तो फिक्स कर दिए, अब एक्सिस वाई पॉजिटिव तरफ की नेगेटिव तरफ, तो देखो एक्स एक्स जीरो है, ये एक्स बराबर क्या है यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वाई क्या है एक्स बराबर जीरो, तो एक्सिस कौन हो गया वाई, अब ऊपर की नीचे है तो फिर देखो वाई क्या है प्लस की माइनस, वाई यहाँ पर क्या बताइए ऊपर होगा, क्या होगा ये ऊपर, यानी कि पाँच कहाँ जाएगा बताइए यहाँ पर, इस बिंदु का नियामक दे देंगे हम लोग, मान लेते हैं ये सी है, क्या मान लेते हैं सी, और जीरो कमा ये क्या है बताइए पाँच, जीरो कमा क्या हो गया अकेले कल अच्छा एक्सिस हो गया वाई, ये हो गया कौन एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, आठ नंबर में चलिए, इसी में कल को लगा देगा कोई माइनस तब क्या होगा कहानी, कल को कोई क्या लगा देगा बताइए, तो एक्स बराबर क्या है जीरो, एक्सिस कौन हो जाएगा वाई, एक्स इक्वल टू जीरो एक्सिस क्या होंगे लेकिन माइनस है, वाई में क्या लगल तो माइनस पाँच कहाँ गया वहाँ देख लीजिए, तो यहाँ बिंदु गया तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, क्या हो गए बताओ जीरो कमा माइनस के पाँच, ए बी सी अगर क्या मान लेते हैं डी, और ये बात है तू लोग पेशेंस नहीं है तनी वेट कर लेते हैं, लिखो अगर पहले